नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झूठ का कारोबार कर रही मोदी सरकार की, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बनी बात की, राम रहीम की बार बार पैरोल से सख्त हुई हरियाणा हाई कोर्ट की, हिमाचल में फैल हुए बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की बात करेंगे, बंगाल झारखंड को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में डबल इंजन की सरकार जंगल राज की गारंटी देती है जो राहुल गांधी इनकी पोल खोल रही हैं। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, यहां 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। साथ ही टीएमसी पर हमला करते हुए बोले कि ममता मुझे दुश्मन नंबर वन मानती है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा है। जनता पर फिर चला महंगाई का चाबुक, 25 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, कांग्रेस बोली कि जमकर पड़ रही महंगाई की मार, मौज में है मोदी सरकार। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बनी बात, कुल 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव गुट की शिवसेना को 20, कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। डबल इंजन की सरकार केवल और केवल जंगल राज की गारंटी, भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा कि बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कर रहे झूठ का कारोबार। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु सीएम को चीनी भाषा में किया बर्थडे विश, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सीएम स्टालिन को उनकी पसंदीदा भाषा में जन्मदिन की शुभकामनाएं। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में पीएम मोदी के स्वागत में इसरो के एड में दिखाया था चीनी झंडा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह फेल, मुख्यमंत्री बने रहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस बोली कि पार्टी और विधायकों के बीच सभी मतभेद सुलझ गए हैं, अब लोकसभा चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, साथ ही कहा कि अब बिना इजाजत न दें पैरोल। कानपुर की तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड, 100 करोड़ की कारें मिली, इसमें रोल्स रॉयस, लंबोर्गिनी और फरारी शामिल, साथ ही 5 करोड़ का कैश और 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में पहुंचे दुनिया के जाने माने कारोबारी बिल गेट्स, इसके बाद केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए और साथ ही आदिवासी महिला रिक्शा चालकों से भी की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जारी है सियासी संकट, 6 बागी विधायकों से मिले हरियाणा के पंचकुला पहुंचे कांग्रेस नेता विक्रमादित्य। कांग्रेस इतिहास तो बनाएगी लेकिन क्षेत्रीय दलों में बिखर कर, असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का विपक्ष पर वार, बोले आने वाले दिनों में लोग कांग्रेस में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 35,700 करोड़ की सौगात, पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए बोले कि नारा इतना जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक पहुंच जाए, साथ ही कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में एंट्री, वाल्मीकि नगर से लड़ने की है संभावना, साथ ही 5-6 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली कैबिनेट मंजूरी, अब 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300-300 यूनिट मुफ्त बिजली, साथ ही 15,000 रुपए की सालाना इनकम भी होगी। नफरती शो के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने 3 टीवी चैनलों पर कर दी कार्रवाई, इसमें एंकर अमीश, शमन और सुधीर चौधरी के शो शामिल, साथ ही ने विवादित वीडियो हटाने के लिए दिए गए आदेश। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कोरोना वैक्सीन के मामले पर भारत को बताया विश्व गुरु, इसके अलावा AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा, मोदी बोले कि वंडरफुल मीटिंग। शुक्रवार को बम्बर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,245 अंकों की तेजी के साथ 73,745 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 355 अंक बढ़कर 22,338 पर हुई बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही आज की इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे अपराध को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर
लताड़ा बीते दिन सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव तो कहीं ईंटों से कुचल कर जान लेने वालों की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा ITBHU कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म का दुस्साहस तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। उन्होंने कहा कि ये उस प्रदेश का हाल है जिसके कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। इसके अलावा हाल ही की एक घटना का जिक्र करते हुए वायनाड सांसद ने कहा कि हाल ही में रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ आज हर जिले हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज बुलंद कर रही हैं। मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के रामपुर में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक दलित छात्र की मौत हो गई थी। हालांकि इस युवक की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए मामले से संबंधित सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब योगी सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने में कसर नहीं छोड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस राज के काले कारनामों को उजागर करने में लगी है। इस कड़ी में कल झारखंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी राज्य को करोड़ों की सौगात देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड के धनबाद पहुंचे। यहां उन्होंने 35,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड के पूर्व सीएम और जेल में बंद हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में तेज विकास के लिए जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां JMM और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी और तुष्टिकरण वाली सरकार बनी है तब से यहां स्थितियां बदल गई हैं। JMM का मतलब हो गया है जमकर खाओ। यहां जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के मिलते हैं। वहीं अपनी सरकार की बड़ाई करते हुए पीएम ने कहा कि देश कह रहा है कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। झारखंड के लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेते हैं तो ये लोग बहाने बनाते हैं, इधर उधर भागते हैं। इंडी गठबंधन को मेरी हर योजना से समस्या है। ऐसे लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले, ना मोदी झुकने वाला है और ना ही हटने वाला है। गरीबों के लिए चल रही सभी योजनाएं चलती रहेंगी। आपको बता दें कि झारखंड के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां हुगली के आराम बाग में उन्होंने 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियाँ सही है, निर्णय सही है। इसका मूल कारण है कि हमारी नीयत सही है। नीयत तो इंडी अलायंस की भी सही है, क्योंकि इस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा था वो अब सुलझता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी खासी बात बन गई है। किस प्रकार बनी ये बात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार बात बन ही गई। जी हां, इसका आधिकारिक ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 18 और शरद पवार की NCP को 10 सीटें मिली हैं। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो वंचित बहुजन अघाड़ी से भी 5 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उसे शिवसेना के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी और निर्दलीय उम्मीदवार राजू सेठी को शरद पवार की NCP समर्थन देगी। इसके अलावा मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। इन्हीं 4 में से एक सीट मुंबई उत्तर पूर्व वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जा सकती है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक 39 सीटों के लिए बातचीत सुलझ गई है। मुंबई की दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिमी सीटों पर अभी भी मतभेद है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना दोनों ये सीट चाहते हैं। आपको बता दें कि इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस ने मुंबई की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। इन 3 सीटों में मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल है। हालांकि उद्धव ने मुंबई की 4
चार सीट मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी थी। दोनों पार्टियों के बीच किन किन सीटों पर सहमति बनी है यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि शिवसेना ने 2019 के चुनाव में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 18 पर जीत हासिल की थी जिसमें मुंबई की 3 सीटें शामिल थी। क्या आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला सत्ता पक्ष को धूल चटा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।